नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थी मैन में। और आज हम फिर आपके साथ हैं एक नई हेल्थी वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या। दोस्तों जिस प्रकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन में बहुत सारी क्वेरीज हो रही थी, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, उस पर डिटेल वीडियो बना रहे हैं और जिसकी दोनों मैकेनिज्म बताएंगे आपको कि किस मैकेनिज्म पे कोविशील्ड काम कर रही है और कोवैक्सीन किस मैकेनिज्म पे काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड पे। दोस्तों कोविशील्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि कोविशील्ड को एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी बनाया है, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफर्ड ने मिलकर बनाया है। और भारत में जो उसका प्रोडक्शन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, अगर हमें इसी पूरे मैकेनिज्म को जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कोरोना वायरस का जो उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस का आप स्ट्रक्चर देखो, जो रियल कोरोना वायरस होता है उसमें देखो, सबसे पहले जो बाहर पे आपको दिखती हैं ये होती हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, और जो अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसका सबसे मेन पार्ट होता है, जो इसकी जान होती है, इसके बिना ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसी के अंदर ये कोड होता है, ये कोड के हिसाब से ये सब प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि ये प्रोटीन कैसे बनेगी, इसकी बॉडी कैसी बनेगी, और इसी की वजह से ये कॉपी भी बनाता है अपनी बहुत सारी। ठीक है, तो ये था हमारा कोरोना वायरस। ठीक है, तो दोस्तों साइंटिस्टों ने क्या किया कि चिंपैंजी में जो कॉमन कोल्ड होता है वो एडिनो वायरस की वजह से होता है, और ये जो एडिनो वायरस होता है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इस वायरस को बाहर निकाला और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन इस टाइप से करना था कि जब ये वायरस अंदर जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये कोरोना वायरस के एक्चुअल कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली इसका पूरा वैक्सीन का जो मोटो होता है कि किसी प्रकार से हम जो वायरस को है बॉडी को दिखा सकें। ठीक है, मतलब उसको कम मतलब वीक करके। ठीक है, कोई भी चीज़ उसका जो कोई भी पार्टिकल हमें क्या जो भी जैसे स्पाइक्स प्रोटीन है अगर बॉडी को दिख जाएंगी तो हमारी एंटीबॉडीज बनेंगी और उसे मेमोरी बन जाएगी। जो भी वायरस बॉडी में जाता है तो उसके बाद ये अंदर जाता है तो बॉडी से किल करने की कोशिश करती है, और जब किल करती है तो इसके अंदर से जो इसका डीएनए होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या करता है पूरी बॉडी इसकी जो मैकेनिज्म होता है जो सेल होता है उसको अटैक कर लेता है उसकी मशीनरी पर। ठीक है, और उसकी मशीनरी पर अटैक करके स्पाइक्स प्रोटीन बनाने के लिए कहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा सेल क्या जो हमारी बॉडी के सेल होती है वो क्या करती है स्पाइक्स प्रोटीन बनाने लगती है, और धीरे धीरे स्पाइक्स प्रोटीन क्या होती हैं सेल्स के बाहर आने लगती हैं, और सेल्स के बाहर आती हैं तो एक तरफ से एक नकली कोरोना वायरस बन जाता है। ठीक है, बॉडी के लिए तो अब नकली असली एक ही बात है क्योंकि उसे स्पाइक्स प्रोटीन दिखनी चाहिए। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं और क्या करती हैं इस पर अटैच हो जाती हैं और इसे किल करने की कोशिश करती है, इस पर अटैच हो जाती है ऐसे करके हुक पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर यह है कि ये जो वायरस है इसको ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ये बॉडी में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। मतलब अगर ये बात है इसका मतलब ये है कि अगर 100 वायरस डाले गए हैं वैक्सीन के द्वारा, ठीक है, आपको एक शॉट लगी वैक्सीन की 100 वायरस गए हैं तो 100 वायरस ही बॉडी में जाएंगी। ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस में क्या होता है वो इतनी सारी कॉपीज बनाता है कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं बहुत कम पड़ जाती हैं उसके लिए। ठीक है, बस इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होता है अगर जैसे 100 वायरस गए तो हमारी बॉडी से आसानी से किल कर देती है। अभी क्या होता है कि जब ये बॉडी को देती है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी ये होती है जैसे मान लो कोई आपसे पहली बार मिलने के लिए आता है, ठीक है, और अचानक आपसे लड़ने लग जाता है तो आप हो सकता है कि आप उससे ना लड़ सके। ठीक है, क्योंकि आप उसे कभी जानते ही नहीं पहली बार। ठीक है, अब मान लो दूसरी बार वो कभी आपसे लड़ने के लिए आए मिलने के लिए आए तो आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे, तैयार रहोगे कि यार ये पहली बार भी आया था अब इसे अच्छी तरह से लड़ना है। तो उसी प्रकार ये होता है मेमोरी का भी यही खेल होता है, कई बार बॉडी को मेमोरी पता चल जाए, मेमोरी बन जाए बॉडी की कि ये वायरस टाइप का पहले आया था, तो जब रियल वायरस आएगा तो हमारी बॉडी उसे एफिशिएंटली मार सकेगी, उसे अच्छे तरह से मार सकेगी। तो सारा कॉन्सेप्ट ही वैक्सीन का यही होता है कि एंटीबॉडीज बनाना और मेमोरी बनाना बॉडी में एक। ठीक है, तो यह है कोविशील्ड का मैकेनिज्म। अब बताना चाहूँगा आपको कोवैक्सीन का मैकेनिज्म। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कोवैक्सीन का जो मैकेनिज्म है काम करने का वो क्या। वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने, इसको देसी वैक्सीन कह रहे हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो वायरस है उसको केमिकल ट्रीट करके, ठीक है, उसको कमज़ोर किया गया है। ठीक है, उसको इतना वीक किया करा गया है कि अगर वो बॉडी में जाएगा तो हार्मफुल होगा, मतलब हमें हार्म नहीं हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, पर इतना ज़रूर कर सकता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज को बढ़ा दें और एक बॉडी में मेमोरी बन जाए। जैसे हमने बताया था कोविशील्ड में क्या करता है, जो वैक्सीन की वजह से क्या हुआ था एक मेमोरी बन गई थी, तो सेम काम इसमें भी यही होता है। तो ठीक है, जब दोनों का काम एक जैसा है तो हम ये नहीं कह सकते कौन बेस्ट है कौन अच्छी है। ठीक है, तो दोनों का काम एक ही है, अगर मेमोरी बन चुकी है तो बॉडी क्या करेगी अगली बार जब कोरोना आएगा रियल कोरोना आएगा तो उससे अच्छी तरह से लड़ पाएगी, प्रिपेयर होकर लड़ पाएगी। ठीक है, तो ये रहा कोवैक्सीन का मैकेनिज्म।
अब दोस्तों कुछ बातें जान लें हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। जैसे कि कोविशील्ड की एफिकेसी 70% है, वहीं कोवैक्सीन की 80% एफिकेसी है जो सेकेंड डोज है। अभी जो रिसेंटली गाइडलाइन आई है उसमें बताया गया है कि अगर 12 से 14 वीक्स यानी 12 से 14 हफ्ते के में अगर सेकेंड डोज लगाया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इससे पहले शायद 8 से 8 हफ्ते था, शायद 6 से 8 हफ्ते था, लेकिन अब ये 12 से 14 कर दिया गया है। जबकि कोवैक्सीन की वहाँ 4 से 6 हफ्ते है। कीमत आपको बता दें कि कोविशील्ड की 200 से 250 रुपये है और कोवैक्सीन की 175 से 200 रुपये है। कोविशील्ड थोड़ी इसलिए महंगी है क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को कुछ रॉयल्टी देनी पड़ती है कंपनी कोविशील्ड बनाने वालों को, इसलिए थोड़ी सी महंगी है। सिम्टम पोस्ट वैक्सीन यानी वैक्सीन लगाने के बाद आप में क्या सिम्टम आ सकते हैं दोस्तों? बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, मितली होना यानी नौजिया होना यानी वोमिटिंग होना, मतलब या फिर कह सकते हो उल्टी आने का जैसा मन करना, ये हो सकता है। दोनों में मतलब कॉमन सी है। हो सकता है कि आपको ये सिम्टम आए या ना भी आए। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, थोड़ी सी कम है, तो आपको थोड़ा बहुत ये माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि आप मेडिसिन खा के ठीक हो जाओगे 1-2 दिन में। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, वो कौन से लोग हैं? ठीक है, देखो जैसे अगर आपको एलर्जी है तब आप वैक्सीन ना लगाएं। अगर आपको खून के रोग हैं यानी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यानी आप कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, खून को पतला करने की, ठीक है, तो अभी आप कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन ना लगाएं। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट है वो भी वैक्सीन ना लगाएं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी महिलाएं भी वैक्सीन ना लगाएं। सेम यहाँ भी यही है कि एलर्जी है, खून के रोग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, प्रेग्नेंट है कोई और ब्रेस्ट फीडिंग है, तो वैक्सीन ना लगाएं। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं जैसे कि कौन सी बेस्ट है। दोस्तों दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, हम ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि कोई ये ख़राब है ये अच्छी है। ठीक है, लेकिन जो एक अभी डेटा आया है वैक्सीन लगने के बाद उसमें देखा ये कि जो पोस्ट सिम्टम्स हैं जैसे बुखार होना, सिर दर्द होना, ठीक है, वो कोवैक्सीन में कम देखे गए हैं। इस हिसाब से कोवैक्सीन अगर बढ़िया है कोविशील्ड से। ठीक है, दूसरा सवाल है वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं। दोस्तों एक बात जान लो कि जो RT-PCR टेस्ट होता है वो आपका करंट इन्फेक्शन को चेक करता है। ठीक है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है। ठीक है, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है लगाने के बाद भी तो वो RT-PCR में आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने वैक्सीन लगाई है या ना लगाई है। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो RT-PCR पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है पहली कोविशील्ड व दूसरी कोवैक्सीन लगा सकते हैं? कुछ लोगों का दिमाग चल रहा है कि यार पहली कोविशील्ड लगा लें दूसरी कोवैक्सीन तो दोनों के फ़ायदे मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम बताना चाहेंगे अभी तक इस पर ऐसी कोई स्टडी नहीं हो रखी कि आप दोनों लगाओगे तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा या फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट भी हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम भी आपको रिकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट भी आपको रिकमेंड कर रही है कि अगर आपने पहली कोविशील्ड लगाई तो दूसरी कोविशील्ड ही लगाएं। ठीक है, और अगर आपने कोवैक्सीन पहली लगाई है तो दूसरी भी कोवैक्सीन ही लगाएं, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।